कॉलेज का मतलब समझाई जाता है वो विद्या का मंदिर, और हमले उसे क्या बना दिया, फैशन शो थिएटर। कॉलेजों में चले जाइए, लड़के लड़कियों को देखिए जिनके मां बापों ने जिन्हें संस्कार नहीं दिए, और अगर वो अपने आप निकल पड़े हों तो यकीन मानिए बड़ी टेंशन हो जाती है। वहां जाते 80% लोग ड्रग्स लेते हैं, स्कूल कॉलेजों में ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। किसकी कमी है, मम्मी पापा की। क्या कहते हैं, बड़े कॉलेज में डालेंगे, बड़े में डाल ले, बड़े में हो गए बड़े, वो किसी भी बड़े कॉलेज में डाल दे, लेकिन उससे पहले उसे संस्कार दे दे। जब संस्कार दे देगा तो हर जगह से सुरक्षित निकल आएगा। अगर संस्कार नहीं दिए तो गड़बड़ जाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहीं डिग्री ली थी किसी कॉलेज से, जवाब दीजिए। और विद्या की देवी सरस्वती का निर्माण ही ब्रह्मा ने किया, जो कभी कहीं पढ़ने ही नहीं गए। बहुत से लोग कहते हैं, ठाकुर जी हमें यकीन नहीं होता कि तुम पढ़ने नहीं गए, झूठ बोलते हो आप। मैंने तो इसे झूठ समझ ले, हम पे क्या फर्क पड़ रहा, लेकिन यह सच है कि हम कभी स्कूल नहीं गए, हमने आज तक स्कूल नहीं देखा। और याद है जितना देखा उस देखने योग्य नहीं था, हमें तो यह भी नहीं पता हम पट्टी पे गए कि किस पे गए, तो हम ये कहेंगे हम कभी गए नहीं। बोले महाराज इतना सब कैसे, बोले जिसने ब्रह्मा को ज्ञान दे दिया है उसने ही अपना काम कराने के लिए हमें भी थोड़ा अपने लायक समझ लिया है। अब हमें चारों वेदों का ज्ञाता नहीं बनाया तो उनकी, जितना वो चाहते उतना तो हमें दिया उसने। और शायद आप लोग जितने लोग यहां आए हैं इनमें से कुछ लोग मेरी बातों से सब शायद सहमत ना हो, बाकी के सब लोग तो सहमत ही हैं। सहमत हैं कि नहीं, कौन कौन सहमत है, ये देखो ये सब मेरी तरह बिना स्कूल वाले हैं, सब सहमत हैं। भगवान की कथा के लिए आनंद और प्रेम जरूरी है। तो मेरे भाई बहन, ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञाता बनाया और ठाकुर जी ने कहा जाओ सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया और इनसे कहा कि तुम सृष्टि का सृजन करो। तो जब सृष्टि सृजन करने के लिए इन चारों भाइयों से कहा तो इन चारों भाइयों ने मना कर दिया, बोले प्रभु हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों, तुम विवाह क्यों नहीं करोगे, बोले महाराज बिल्कुल भी विवाह नहीं करना। अरे वजह, बोले वजह सीधी सी है महाराज, अगर विवाह कर लिया तो गृहस्थ में फंस जाएंगे, और अगर गृहस्थ में फंस गए तो फिर भगवान का भजन नहीं होगा, इसलिए हमें भगवान का भजन करना है। ब्रह्मा जी ने साप दे दिया, जाओ तुम हमारी बात नहीं मानते हो, हम तुम्हें साप देते हैं तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम छोटे ही रहोगे। छोटे मतलब बाल रूप में ही रहोगे, तुम कभी जवान नहीं होगे। और चारों भाइयों ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु आपने तो वरदान दे दिया, हिसाब नहीं है। क्यों, बोले हम बड़े हो जाते और कोई कन्या हमारे सामने आ जाती तो हमारा मन भी हो सकता था उसकी तरफ आकर्षित हो जाता, लेकिन जब बड़े ही नहीं होंगे तो सुंदर आए असुंदर आए क्या फर्क पड़ता है, अब तो सीधे सीधे भगवान का भजन करेंगे, अब तो हमारा मन लगेगा ही नहीं गलत जगह पे। आठ साल का बच्चा बहुत सुंदर खूबसूरत मिस वर्ल्ड उसके सामने आ जाए, उसे रेड रोज देख के कह सकता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, कह पाएगा, उसे मतलब ही नहीं, उसे पता ही नहीं प्यार कहते किसको है। ये तो जब जवान होने लगते हैं वासनाएं तीव्र होने लग जाती हैं, जीव कहीं ना कहीं भ्रमित होने लगता है, माया हावी होने लग जाती है, तब इस माया का असर हमें अपोजिट साइड, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री। और ये कोई अगर ये कहे कि मैं ऐसा नहीं हूं तो ये गलत है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जैसे आपको भूख लगती है, जैसे आप पानी पीते हो, वैसे ही आपकी आंखों को कोई ना कोई तो अच्छा लगता ही है। कई लोग मर्यादा की बंधन में बंद कर इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और कई लोग उसके पीछे पीछे चल देते हैं। यहां पर कोई ऐसा है जो कह दे कि नहीं मुझ मेरी आंखों को कभी कोई अच्छा नहीं लगा, कभी ना कभी कोई ना कोई एक बार तो आंखें किसी को पसंद करती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं।
सब लोग कह रहे, मन ही मन में कह रहे होंगे, महाराज आपको कैसे पता? क्यों महाराज आसमान से टपका है? महाराज भी तो धरती का ही जीव है। विश्वामित्र जी को नहीं भाई थी मेनका जी, नहीं भाई थी। तब नारद जी को नहीं भाई थी मोहनी जी, बोली ये तो तपेश्वरी, इन जैसा तपेश्वरी कोई हो सकता है? वो भी आज के युग में? जवाब दे दो हां या ना। नारद जी को मोहनी मिल गई, वो मोहित हो गए उसकी तरफ। विश्वामित्र जी मेनका पर मोहित हो गए, और न जाने ऐसे कितने ऋषियों की कथा है। लेकिन उस समय इंडियन मीडिया नहीं था, इसलिए वो बेचारे बच गए, नहीं तो आज भी विश्वामित्र जी जेल में होते और नारद जी भी जेल में ही होते, कसम से। अगर आज इंडियन मीडिया होता उन दिनों में, तो नारद जी ऐसे ऋषि होते फिर? जवाब दीजिए। और ऊपर से आप, बाप रे बाप, देखा नहीं क्या हो रहा है आजकल? हाँ भाई, वो तो तू है सबसे बड़ा तपस्वी, तू तो मंदिर में से 10 घंटे उठता ही नहीं है, तपस्या ही करता रहता है। आज तक तेरी आंखों ने किसी को देखा नहीं, जब भी कोई सामने आता है तू तो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। कितने नंबर ऐड हैं तेरे मोबाइल में, बता तो दे कम मखत। अब बोल राधे राधे। हम तो कॉमन पर्सन है, हमारा क्या? मेरे भैया, व्यासपीठ के बाद सब कॉमन पर्सन ही है। भगवान शक्ति देता है, बुलवा लेता है, ठाकुर जी देता है, जो अन्न आप खाते हो वही अन्न सब खाते हैं। इसलिए ये विषयों पर कभी आकर्षित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति में कोई एक आध दुर्गुण हो सकता है, लेकिन हमारे धर्म में एक भी दुर्गुण नहीं है। तुम्हारा धर्म पवित्र है, पुनीत है, पावन है, सुंदर है, मोक्षदायक है, परमात्मा से मिलाने वाला धर्म है तुम्हारा। किसी एक व्यक्ति की वजह से या एक व्यक्ति के एक अवगुण की वजह से तुम अगर अपने धर्म को छोड़ते हो, तो समझ लेना तुम कभी धर्मात्मा थे ही नहीं, तुम्हें तो बहाना चाहिए था। इसलिए मेरे भाई बहन, मन तो मोहित होता ही है, ये संसार का नेचर है, और इस नेचर में सब फंसते हैं। लेकिन वो बच जाते हैं जो ठाकुर जी का भजन करते हैं, जो ठाकुर जी से दिल लगा चुके होते हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि उनको ठाकुर जी बचाता है, उन्हें स्वयं भगवान ही बचाता है, कोई और नहीं। वो खुद में उनकी शक्ति नहीं है, उनकी शक्ति नहीं, भगवान की देते वो कृपा करते। तो उन्होंने, चारों भाइयों ने मना कर दिया। और हां, यहां पर एक बात, जो लोग ये कहते हैं कि कथा सुनना बूढ़ों का काम है, ध्यान से सुन लो, ये सनकादिक ऋषि क्या कह रहे हैं? महाराज, बचपन में भजन करेंगे तो फल मिलेगा अमृत के समान, जवानी में भजन करेंगे तो फल मिलेगा घी दूध के समान, और बुढ़ापे में करेंगे तो फल मिलेगा पानी के समान। कब करना है? नाउ यू डिसाइडेड माई डियर, कब करना है? कब करना है? बोल तो दो। तो जिनका निकल गया हो वो जवानी में कर लो, और जिनकी जवानी निकल गई तो कम से कम पानी तो पी लेता हूं, गांठ कोई पानी भी चलो जाएगा ना करेगा तो 2300 गंदे न चला जाएगा भाई। ये कहते हैं ना हमारे यहां, बीती ताए बिसारिये आगे की, तो जो तेरे पास है उसी ने यूज करेगा। अब बचपन कहां से आएगा? अब बचपन कहां से लाएं? जिनका निकल गया निकल गया। आज जो तू जिस उम्र में है, अगर तुझे अपनी इतनी सी भी चिंता है तो आज से शुरू हो जा, और आज से मेरे कन्हैया का दीवाना हो जा, और लगा ले अपनी नैया पर, तेरे हाथ में है, पड़ोसी के में नहीं। बुरे कर्म तू करेगा तो तू नरक में जाएगा, अच्छे कर्म तू करेगा तो तू पार होगा, तेरा पड़ोसी नहीं। मुझे ये कर दिया, ये तू अपनी जिम्मेदार खुद है।